थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पांच रीज़न की, जो आप एक ग्लेंजा परचेज करने के टाइम देख सकते हो। करते हैं पहले रीज़न की, क्यों आप एक ग्लेंजा परचेज कर सकते हो। भाई लुक्स लुक्स जो ये ऑफर करती है, देख सकते हो, यू विल लव इट। लुक्स में भाई एक नंबर की है, लुक्स लुक्स ही है जो इसको लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेते वक्त हमें भी डाउट था कि ले या ना ले, बट अब बढ़िया है। बात करते हैं दूसरे रीज़न की। दूसरा रीज़न आपके सामने है, इसका इंटीरियर। भाई भाई ये जो पीच कलर है ना, वो इसको सूट करता है। और मैं बता दूं आपको, हमारे पास है ग्लेंजा का जी वेरिएंट इस टाइम। अब बात करते हैं इसका चलाते हुए तीसरे रीज़न की, जिस जैसे हमें इसको बाय करना चाहिए, वो है इसके फ्यूल इकोनॉमी। देख सकते हैं इसमें अभी भी 11.3 की शो कर रहा है। इसका मतलब ये लोकली चली है, प्योर लोकली चलने में 11.3 की शो कर रहा है। अभी गाड़ी भी न्यू है और ये चली ही सिर्फ 1500 किलोमीटर है, इस वजह से कम शो कर रहा है। बट ठीक है यार, स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत सही है। और ये हाईवे पे मैंने इसे 22 से 23 तक निकाली हुई है, आराम से दे देती है कम बंदों में, कोई दिक्कत नहीं। और अब चलते चलते चौथे रीज़न की बात करें तो इसकी है राइड क्वालिटी। भाई इन लोगों ने क्या इम्प्रूव कर दिया राइड क्वालिटी यार, मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने में। लगता ही नहीं कि हम किसी नेक्सा की या मारुति की गाड़ी में बैठे हैं, लगता है भाई किसी हुंडई की गाड़ी को चला रहे हैं। गड्ढे को तो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेती है, पता भी नहीं चलता। देख सकते हैं आप हम जिस रोड पे चल रहे हैं अभी, कितनी कितना ख़राब रोड है भाई ये। बट इसको भी ऐसे अच्छे से हैंडल कर रही है, बस पूछो मत। अपने सामने टाटा पंच जा रही थी, 3 सिलेंडर बीस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रीज़न बता रहा है, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा। मारुति यार बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात ना की जाए भाई, बहुत इंप्रूव कर दिया पहले से बहुत। जाके एक बार देखना जरूर आप शोरूम में जाके, आपको पता तो चलेगा कि इंप्रूव तो हुई है। चलते चलते ही बात करते हैं इसके चौथे रीज़न को परचेज करने की, वो है इसकी वारंटी, जो आपको अच्छी खासी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू बलिनो। तो ये भी एक चौथा रीज़न हो सकता है कई बंदों के लिए जो वारंटी को इतना सीरियसली लेते हो। बाकी यार वारंटी इतनी काम आती नहीं है, ये बात भी सच्ची है, जब तक आपकी गाड़ी ख़राब ना हो। बट मारुति की गाड़ियाँ यार कहीं ख़राब होती है यार। और जब बात करें पांचवे रीज़न की, वो तो आप सबको पता ही है, वो तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी। भाई ये गाड़ियाँ दुखी नहीं करती भाई, जैसे कई बार और गाड़ियाँ कर देती है, कभी जंग लग गया, कभी कुछ। ये परेशान नहीं करती भाई, परेशान के मामले में तो एक नंबर है भाई ये। इसकी रिलायबिलिटी मारुति की बेस्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।